सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ओवरवेट महिला पठान मूवी का गीत बेशरम रंग में डांस करती हुई नजर आ रही है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि हम बात करें पठान मूवी के गीत बेशरम रंग की, तो इस गीत ने काफी सुर्खियां बटोरी है। एक तरफ जहां पर लोग दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के इस गीत में उनके लुक की तारीफ कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण के इस गीत में भगवा रंग की बिकनी पहनने से लोग उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। कई हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि दीपिका पादुकोण का इस भगवा रंग की बिकनी पहनने से उनके भावनाओं को काफी ज्यादा ठेस पहुंची है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है और आपका क्या कहना है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गणतंत्र दिवस 2023 से एक दिन पहले रिलीज होने के लिए तैयार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम अभिनीत हिंदी फिल्म पठान कई विवादों से घिरी हुई है। सबसे अधिक विवाद बेशरम रंग गीत में पोशाक के रंग को लेकर है, जो वास्तव में हिंदी रीति रिवाजों और भगवा रंग से जुड़ी उनकी भावनाओं से जुड़ा रंग है। गाने का शीर्षक और रंग जो इसे अपरिचित बनाता है, वह फिल्म में तर्क और विवाद का विषय है। बेशरम रंग गीत, जिसमें पादुकोण भगवा रंग की बिकनी पहने हुए है। ताजा घटनाक्रम में हिंदू समाज ने पठान के प्रचार को लेकर अहमदाबाद मॉल में तोड़फोड़ की, शाहरुख और दीपिका पादुकोण के पोस्टर भी फाड़ दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के रिलीज से पहले अहमदाबाद के अल्फावन मॉल में हिंदू समूह ने हंगामा किया। उन्होंने फिल्म के पोस्टर फाड़ने के अलावा उन्हें सिनेमा घरों में रिलीज नहीं करने की चेतावनी दी। वहीं इन विवादों के घेरों के बीच एक वीडियो सामने आया, जिसमें ओवरवेट महिला बेशरम रंग गीत में नाचती हुई नजर आई और यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की स्टार्टर फिल्म पठान अपने गाने बेशरम रंग के रिलीज होने के बाद से ही कई विवादों के घेरे में है। कार्यकर्ताओं ने आगामी बॉलीवुड फिल्म पठान और इसके गीत बेशरम रंग के रिलीज होने के बाद से विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने शाहरुख खान का पुतला फूका और हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया।